हेलो बड़ी, यू वॉचिंग व्हाट्सएप बड़ी। तो आज हम करने वाले हैं GTA 6 के ट्रेलर के बारे में बात। हम ट्रेलर का थोड़ा रिव्यू करेंगे और इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पुरानी यादों को भी हम ताज़ा करेंगे, क्योंकि इसका ट्रेलर देखने के बाद मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। सबसे पहले हम इसके ट्रेलर के ऊपर बात करते हैं। ट्रेलर के जो ग्राफिक्स हैं भाई, क्या बताऊँ, क्या ग्राफिक्स बनाए हैं। इससे पहले इतनी डिटेलिंग मैंने सिर्फ एक गेम में देखी थी, वो थी रॉकस्टार के खुद की गेम रेड रिडेम्पशन। उसमें जिस तरह के ग्राफिक्स होते थे, रियल लाइफ के इफेक्ट्स होते थे, जिस तरह उसकी डिटेलिंग में काम किया जाता था, तो इससे पहले किसी गेम के रिडेम्पशन जैसे ग्राफिक्स नहीं थे। जिस तरह GTA 6 के ग्राफिक्स को बनाया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे काम किया गया है। और उसके साथ आप देखें जो स्किन का जेस्टर जो है, वो बिल्कुल इतना स्मूथ और रियल लगता है कि आपको महसूस ही नहीं होता है कि आप कोई गेम देख रहे हो। GTA 5 के अंदर जिन जिन चीज़ों की कमी थी, अब आपने देखा होगा कि लूसिया इसमें फीमेल करेक्टर दिया है और इसमें एक मेन करेक्टर भी है जिसका नाम है जेसन। तो इसमें जब लूसिया जा रही होती है तो उसके बाल तक मूव हो रहे होते हैं, आप देखो कितना एक्साइटेड है। इस चीज की कमी थी GTA 5 के अंदर, उस पे इन्होंने काम किया है। और आप देखें एक सीन वो भी आता है जब वो दिखाते हैं कुछ एनिमल्स, परिंदे वगैरह को दिखाते हैं, तो उस पे भी बिल्कुल रेड रिडेम्पशन जैसी डिटेलिंग दिखाई गई है, मजा आया। और उसके बाद जब ड्रोन सीन आता है भाई, वो तो इतना एक्साइटेड कर देता है मुझे कि क्या ही बताओ। जिस तरह उन्होंने ड्रोन व्यू दिखाया, उसमें इस गेम के जो रात के ग्राफिक्स होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग और एक्साइटेड होने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक्साइटेड बात ये होने वाली है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैप होगा किसी भी गेम के हवाले से। सबसे ज्यादा एक्साइटेड बात ये है कि इस मैप में वाइस सिटी को भी ऐड किया गया है। जब मैंने ट्रेलर में वाइस सिटी को देखा तो मैं अपने बचपने में चला गया, मुझे कुछ टॉम की यादें भी आने लग गई थी। किस तरह का करेक्टर था टॉम, हम इसके साइल पर जाते तो क्या ही मजे उड़ाते थे, पुलिस वालों को पीछे भगाते थे, और उसके बाद चिट लगाने के बाद टैंकर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती थी, तो क्या ही इंजॉय करते थे। वो हमारे बचपन और स्कूल के दिन हुआ करते थे। GTA वाइस सिटी खेलने वाले बच्चों के लिए एक अलग ही फीलिंग रखने वाली है गेम, क्योंकि वाइस सिटी के साथ जो बच्चे बड़े हुए, ग्रो हुए, खेलते खेलते आज तक GTA 5 खेल रहे हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल यादें हैं इसके अंदर। उस वक्त मेरे पास जो PC हुआ करता था, वो उस वक्त GTA वाइस सिटी को भी नहीं चला पाता था, थोड़ा सा खचाड़ा हुआ करता था, और मैं अपने दोस्त के घर जाके इस गेम को खेला करता था। लेकिन उसके बाद मुझे जोश चढ़ा और मैंने PC बनाया और हमने GTA वाइस सिटी खेली और इसके जितने भी मिशन थे सबको पूरा किया। लेकिन एक इसमें बुरी चीज़ होती थी कि टॉम भैया पानी के अंदर जा करके तैर नहीं पाते थे, वो जब भी पानी में जाते थे बेचारे मर जाते थे। लेकिन इस बार में एक और अच्छी बात है, लूसिया और जेसन अगर वो पानी में जाते हैं तो वो तैर पाएंगे, वाइस सिटी में डूब के मरने वाले नहीं है। GTA 6 के ग्राफिक्स तो बहुत ही आला बना है। जो स्टोरी लाइन होने वाली है ये है, वो दो कपल के दरमियान ही चलेंगे, जैसा कि आप इस ट्रेलर में दिखा। पहली बार GTA में किसी फीमेल करेक्टर को लीड में दिखाया गया और उसके साथ ही जेसन को दिखाया जा रहा है। इसमें ड्रोन शॉट्स को बहुत ही खूबसूरत से दिखाया जा रहा है। इसमें GoPro का भी एक सीन डाला गया है और उसके साथ साथ इसमें वो भी चीज दिखाई जा रही है जिसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, वो है TikTok की वीडियो। इसमें एक TikTok का भी एंगल डाला गया है, जिसाते इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको वायरल होना होता है। गेम में भी कुछ ऐसे मिशन भी आएंगे जिसपे आपको खुद को वायरल करना होगा। इसमें एक और चीज भी एक्साइटेड नजर आ रही है कि आप कोई भी मिशन या कोई चीज करते तो न्यूज चैनल के ऊपर भी आप वायरल हो सकते हो और सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो सकते हो, इसको भी इसमें दिखाया जा रहा है। इस तरह ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। इसमें कुछ वहाँ की रियल लाइफ के बारे में भी दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें लोग बहुत ही ज्यादा क्रेजी नजर आ रहे हैं। ठीक, इस ट्रेलर और इस गेम की अच्छी बातें, लेकिन इसमें एक बुरी बात भी है। वो बुरी बात ये है, ये गेम पूरे एक साल के बाद आएगी। जी हाँ, ये गेम 2025 में रिलीज करेंगे, लेकिन इतना इंतजार करेगा कौन, क्योंकि जो गेमर है उनसे तो इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर मुझसे पूछे, मुझसे भी वेट नहीं किया जा रहा। और भी सैड न्यूज आ रही है, कुछ रूमर्स कुछ वेबसाइट पे चल रहे हैं कि ये गेम सिर्फ और सिर्फ PS5 और PS Pro के ऊपर ही लॉन्च किया जाएगा एक साल के अंदर अंदर, उसके बाद में भी PC पे या किसी दूसरे कंसोल पे दिया जाएगा।
तो जिनके पास पीसी है या दूसरा कंसोल है तो वो उनको पूरे एक साथ और इंतजार करना पड़ता है। रॉकस्टार का ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो सोनी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन दूसरे कंसोल या पीसी के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन गेमर हैं जो यूट्यूबर्स हैं वो पीसी से स्ट्रीम करते हैं। पीसी में भी इस गेम का किसी किस्म की डिटेल नहीं आई है कि इसको पीसी पे रिलीज करेंगे और कितने दिनों बाद करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट में अपनी कीमती राय तो जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।